Marianne. Watch her until I get back. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है ऑटोप्सी। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5/10 स्टार है और ये मूवी किसी पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि कुछ और ही कॉन्सेप्ट है इस मूवी के पीछे, जो कि आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत कुछ दोस्तों के साथ होती है जो कि एक पार्टी को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। इन सभी के नाम थे एमिली, जूड, बॉबी, क्लेयर और डिमिट्री। सभी लोग पार्टी से वापस आ रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग कार से बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन सभी उस एक्सीडेंट से बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और इस सुनसान सड़क पर उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था जिससे कि वो अपने लिए मदद बुला पाए। तभी जूड वहां पर बाथरूम करने के लिए जाता है और अचानक से कोई उसके पैर को कार के नीचे से पकड़ लेता है। सभी लोग देखते हैं कि वहां पर कार के नीचे एक आदमी घायल पड़ा हुआ है और उनकी ही कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर एक एम्बुलेंस गुजरती है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी कि एक्सीडेंट के थोड़ी ही देर के बाद एम्बुलेंस वहां से गुजरी। फिर एम्बुलेंस में से दो लोग बाहर निकलते हैं। इन दोनों के नाम थे स्कॉट और ट्रेविस। ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि ये घायल आदमी यहाँ पर कैसे पहुंचा, और ये आदमी पहले हॉस्पिटल में एडमिट था जो कि वहां से भाग गया था। अब ये दोनों इन दोस्तों से उनके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए पूछते हैं, क्योंकि इन सभी का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और सभी को छोटी मोटी चोटें भी आई थी। इन दोस्तों की भी कार का सत्यानाश हो गया था और सभी के पास शहर जाने का और कोई साधन भी नहीं था, और रात भी बहुत हो चुकी थी, तो इसलिए सब एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। अब सभी एम्बुलेंस में उसी इंसान के साथ में बैठे थे जिसका इन्होंने थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट किया था। क्लेयर उस आदमी को कहती है कि वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, लेकिन वो घायल आदमी उनसे कुछ बोलना चाहता था कि तभी वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर में सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर उस आदमी को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है और नर्स सभी लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें कोई मेजर इंजरी तो नहीं हुई है। फिर उस आदमी को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी उसे कम्फर्ट कराता है। वो उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर दोनों किस करते हैं और तभी एमिली ये नोटिस करती है कि बॉबी के पेट से खून निकल रहा है, लेकिन बॉबी उसे कहता है कि ये बस एक छोटी सी चोट होगी। अब इधर नर्स के पास में डॉक्टर बेनवे का कॉल आता है। तभी वहां पर एमिली बॉबी को लेकर आती है, क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा था, और बॉबी देखता है कि उसके पेट से एक कांच का टुकड़ा बाहर आ रहा है और खुद ही उस कांच को अपने शरीर से निकाल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कांच का टुकड़ा इतना बड़ा होगा, जिसे देखने के बाद में बॉबी वहीं पर बेहोश हो जाता है। नर्स जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है और यहाँ पर बाहर सभी दोस्त बॉबी का इंतजार कर रहे थे। तभी नर्स के पास में डॉक्टर बेनवे का कॉल आता है और वो थर्ड फ्लोर पर डॉक्टर के पास जाती है, और जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है और यहाँ पर हम एमिली को देखते हैं। इधर बॉबी को एक कमरे में रखा गया था जो कि खून में लथपथ था, और फिर नर्स एमिली के पास में जाकर उसे समझाकर एक रूम में भेज देती है। इधर हम डिमिट्री को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, और वहाँ पर डिमिट्री के शरीर से उसके इंटरनल ऑर्गन वहाँ पर काट कर निकाल दिए जाते हैं, और डॉक्टर के ऐसा करते समय डिमिट्री अभी भी जिंदा था। इधर ट्रेविस जूड को एक रूम में बंद कर देता है, और यहाँ पर जूड नशे में था, वो हेलुसिनेशन कर रहा था। उसे फिर वहाँ पर कमरे में एक बैग दिखाई देता है। जब जूड उस बैग के पास में जाता है तो वहाँ से एक आदमी का हाथ बाहर आता है, जिससे कि जूड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीचे लॉबी में क्लेयर अकेली बैठी थी। तभी वहाँ के रिसेप्शन पर फोन बजता है, लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं था, तो इसीलिए क्लेयर फोन को आंसर करती है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से कोई बहुत ही धीमी आवाज में हेल्प मांग रहा था। क्लेयर को लगता है कि शायद किसी को नर्स की जरूरत होगी, तो इसीलिए वो उस फोन को रखकर खुद देखने के लिए चली जाती है। फिर क्लेयर एक कमरे में पहुंचती है जहां पर एक पेशेंट बिना कपड़ों के बैठा हुआ था और उसका फोन लटक रहा था, और शायद ये हो सकता था कि इसी पेशेंट ने क्लेयर से बात की होगी। क्लेयर उसकी मदद करने के लिए उसके पास में जाती है कि तभी वहां पर एक और पेशेंट उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्लेयर नीचे जमीन पर गिर जाती है और उससे बचने के चक्कर में क्लेयर उस पेशेंट के कटे हुए सीने में अपना हाथ डाल देती है, जिससे कि उसके शरीर के अंदर का सारा खून और उसके अंदर के बॉडी के पार्ट्स क्लेयर के ऊपर गिर जाते हैं। फिर तभी वहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ स्कॉट आता है और वो क्लेयर के ऊपर अटैक करके फिर उसे घसीटता हुआ अपने साथ में ले जाता है। अगले सीन में एमिली डॉक्टर बेनवे के ऑफिस में उसका सर्टिफिकेट और अवार्ड को देख रही थी, जिसमें डॉक्टर बेनवे को अपनी सर्जरी
और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हुए थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर बेनवे भी आ जाता है। एमिली डॉक्टर से बॉबी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पेट से सारे कांच के टुकड़ों को निकाल दिया गया है और अभी उसे थोड़े आराम की जरूरत है। पूछता है कि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई क्यों छोड़ दी, जिस पर एमिली उसे कहती है कि एक महीने पहले उसके पिता की बोन कैंसर से मौत हो गई थी और इसी कारण से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। डॉक्टर फिर एमिली को बताता है कि पिछले साल उसके भी पत्नी को कैंसर हुआ था, लेकिन अब उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया जा रहा है लगता है। लेकिन चेकअप के लिए एमिली की स्पाइनल कॉर्ड में एक मोटा सा इंजेक्शन घुसाकर वहां से उसका लिक्विड निकालता है, जिसमें एमिली को बहुत दर्द होता है। डॉक्टर फिर उस लिक्विड को एक कंटेनर में निकालकर उसे पी लेता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। फिर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। एमिली जब वहां से बंदे तो इसीलिए वो डॉक्टर का एक चाकू उठा लेती है। फिर इधर हम देखते हैं कि स्कॉट ने क्लेयर के शरीर के पीछे के भाग को बुरी तरीके से काट दिया है और हमें पता चलता है कि स्कॉट और ट्रेविस दोनों डॉक्टर के लिए काम करते हैं। वो उसके लिए लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं कि क्लेयर अभी भी मरी नहीं थी, बल्कि वो दर्द में थी और जिंदा थी। अगले सीन में एमिली अपने हाथ में चाकू लेकर डॉक्टर के रूम से निकल चुकी थी। वो बॉबी को ढूंढते हुए सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है, जहाँ पर वो जूट को देखती है जो कि नशे की हालत में था और वो अपने ही हाथ को काट रहा था। एमिली फिर वहां से जूट के रूम की चाबी ढूंढती है और वहां से उसके पास में जाती है। एमिली देखती है कि जूट ने अपने हाथ को कांच से बुरी तरीके से काट लिया है और उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ड्रग के नशे में था। फिर अपने साथ में ले जाती है। दोनों मिलकर अब अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढ रहे थे और वे दोनों एक रूम में क्लेयर को देखते हैं। डॉक्टर को कह रही थी कि वो लड़का यानी कि बॉबी 12 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। फिर डॉक्टर क्लेयर को एक छोटी से हथौड़े से मारकर देखते, तब डॉक्टर एक बड़े से हथौड़े से क्लेयर की ही तरह मार दिया होगा और जूड एमिली को छोड़कर अकेला बाहर के लिए निकल जाता है। फिर एमिली बॉबी को ढूंढने के लिए निकलती है। इसी इंसान की स्किन को साफ कर रहा था और वहां पर कई सारे इंसानों की बॉडी भी पड़ी हुई थी। एमिली को वहां पर ट्रेविस का फोन दिखाई पड़ता है और वो उसे लेने के लिए चुपके से उस रूम में घुस जाती है। जब ट्रेविस अपने काम में बिजी था, तब एमिली उसके फोन को उठाकर वहां से निकल जाती है। फिर एमिली उन्हें इस हॉस्पिटल के बारे में बताती है, लेकिन 911 के अटेंडेंट का ऐसा कहना था कि इस हॉस्पिटल को बंद हुए 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। लेकिन फिर भी एमिली उन्हें बताती है कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। अब अचानक से वहाँ पर स्कॉट आ जाता है और एमिली फोन काटकर उससे बचने के लिए डेस्क के नीचे छुप जाती है। इधर डॉक्टर और नर्स को पता चल चुका था। नर्स फिर ट्रेविस को कॉल करती है, जिस स्कॉट से छुपी हुई थी। अचानक से उसके फोन पर रिंग बजती है और फोन को टेबल के नीचे सरका, लेकिन एमिली उसके पैर में चाकू मारकर वहां से भाग जाती है और स्कॉट उस चाकू को अपने पैर से निकालकर एमिली के पीछे पड़ जाता है। एमिली देखती है कि हॉस्पिटल का गेट लगा हुआ है और बाहर पुलिस ऑफिसर खड़ा है, जिसे उसने 911 पर कॉल करके बुलाया था। अब स्कॉट फिर एमिली को पकड़कर हॉस्पिटल का दरवाजा खोलता है और एमिली पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसी ने 911 पर कॉल किया था। वो ये भी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को इन लोगों ने पकड़ कर रखा है और इनकी एक और दोस्त को इन सभी ने मिलकर मार दिया है। लेकिन स्कॉट ऑफिसर को कहता है कि असल में एमिली एक मेंटल पेशेंट है। फिर एमिली कहती है कि वो बता सकती है कि इन लोगों ने क्लेयर की बॉडी को कहां पर छिपाया है, तो इसीलिए वो ऑफिसर उनके साथ में चल देता है। एमिली उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट पर लेकर जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता है और अब ऑफिसर को भी लगता है कि एमिली एक मेंटल पेशेंट है। फिर पुलिस ऑफिसर वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो ट्रेविस को वहां से इंसानों की बॉडी के पार्ट्स को ले जाता हुआ देख लेता है, मार डालता है। फिर अब ट्रेविस डॉक्टर से कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पुलिस को अब इस जगह के बारे में पता चल चुका होगा और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। लेकिन डॉक्टर का ऐसा कहना था कि अभी लिसेट यहाँ से जाने वाले थे, तो रात में वीडियो में बने रहिएगा। इधर ऑपरेशन रूम में डॉक्टर, नर्स और स्कॉट एमिली की सर्जरी करने वाले थे और पहले तो वो उसके सर को काटना चाहते थे। अब डॉक्टर बेनवे एक हाथ से चलने वाली ड्रिल को एमिली के सर में घुसाने वाला था, लेकिन एमिली अपने होशो हवास में ही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन ड्रिल में एमिली के बाल फंस कर एमिली के सर में उस ड्रिल को घुसा रहा था, लेकिन फिर भी वो ड्रिल ठीक से काम नहीं करती है और इसीलिए डॉक्टर एमिली को छोड़कर वहां से चला जाता है। एमिली अब दर्द में तड़प रही थी और स्कॉट उसके पास में आकर उसके सर के छेद में अपनी उंगली डालकर उसे और तकलीफ दे रहा था। वो उसके पेट में कई सारे पंच मारता है तो एमिली उसके हाथ के ऊपर उल्टियां कर देती और एक सर्जिकल नाइफ से स्प्लेंडर से वो उसके पूरे जूट को देखते हैं, जो कि अभी भी हो और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि क्लेयर का घोस्ट था, जिसे देखकर वो डर जाता है। सीन कट होता है और एमिली बाहर जा जाते हैं।
अब एमिली अकेले पूरे हॉस्पिटल में घूम रही थी। फिर वो उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर की पत्नी को रखा गया था। एमिली देखती है कि लिसेट की बॉडी में एक मशीन के जरिए एक लिक्विड को पहुंचाया जा रहा था। एमिली फिर उन पाइप का पीछा करते हुए एक रूम में जाती है जहां पर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को रखा गया था। वहां की लाइट बंद थी और एमिली उसे बचाकर अपने साथ में ले जाना चाहती थी। वो जैसे ही वहां की लाइट ऑन करती है तो देखती है कि बॉबी की पूरी बॉडी को चीरफाड़ करके खोल दिया गया था। बॉबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसकी बॉडी का हर एक पार्ट उसके शरीर से बाहर था और वो अब इस दर्द को सही नहीं कर पा रहा था। एमिली फिर उसे दिलासा देती है कि वो बस अपनी आंखें बंद रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉबी एमिली को पहली बार आई लव यू कहता है। फिर एमिली उसे किस करती है और धीरे धीरे उसकी मशीन को बंद कर देती है जिससे कि बॉबी की सांसें उसी के सामने रुक जाती है और बॉबी वहीं पर मारा जाता है। और साथ ही वो लिक्विड जा रहा था, मतलब कि लिसेट बॉबी की बॉडी के पार्ट्स की वजह से ही अभी तक जिंदा थी। एमिली फिर उस रूम से निकलती है कर अलग कर देती है और वहां पर नर्स को ऐसे ही छोड़कर वो वहां से भाग जाती है। अब एमिली अकेली थी और उसके सभी दोस्त मर चुके थे, वो बस यहां से बाहर जाना चाहती थी और तभी उसे किसी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। एमिली देखती है कि डॉक्टर की पत्नी लिसेट अभी भी जिंदा है और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। लिसेट एमिली से भी हेल्प मांगती है लेकिन एमिली उसे कहती है कि उसी के कारण फिर एकदम से लिसेट हंसने लगती है क्योंकि डॉक्टर एमिली के पीछे खड़ा हुआ था। एमिली तुरंत अपने चाकू से लिसेट को मारता है और अपने सर्जिकल नाइफ से एमिली के चेहरे को काट देता है। एमिली फिर डॉक्टर को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ती है और उसके ऊपर एक इंजेक्शन से कई बार उसके चेहरे पर वार करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब पूरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, बस एक एमिली थी जो कि अपने घावों को खुद ही टाके लगा रही थी। उसने डॉक्टर को भी एक स्ट्रेचर पर बांध कर रखा था और वो डॉक्टर से कहती है कि वो हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी, यानी कि अब वो डॉक्टर बेनवे की सर्जरी करना चाहती थी। डॉक्टर बेनवे भी एक चाकू को उठाता है, इसका मतलब ये था कि वो भी एमिली से लड़ने के लिए तैयार था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो अपनी बीमार पत्नी को जिंदा रखने के लिए लोगों के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता था और उसके लिए स्कॉट और ट्रेविस वहां पर लोगों को फंसा कर लाते थे। फिर एक रात को एमिली अपने दोस्तों के साथ में पार्टी से लौट रही थी और वो भी स्कॉट और ट्रेविस के जाल में फंस जाती है। यहाँ पर डॉक्टर बेनवे अपनी पत्नी की बॉडी में दूसरे लोगों की बॉडी से लिक्विड ट्रांसफर करता था और उसकी पत्नी का ट्रीटमेंट अपने आखिरी स्टेज पर था। और इसके बाद में डॉक्टर बेनवे अपनी पत्नी को पूरी तरीके से ठीक करके इटली ले जाना चाहता था लेकिन एमिली ने उसका पूरा खेल खत्म कर दिया और अब एमिली उससे सभी की मौत का बदला लेने वाली थी। आई होप दोस्तों आपको ऑटोप्सी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।